अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहिल फातिमा है। मैं 21 साल की हूँ और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। 28 सितंबर 2017 को मेरा डायग्नोज हुआ था कैंसर। जो मेरी फीलिंग्स थी एट दैट स्पॉट वो यही थी कि आई फेल्ट नम, बट एट दैट टाइम व्हेन आई लुक्ड एट माय मदर, वो इतने बुरे तरीके से रो रही थी, और जब हम क्लिनिक के बाहर आए शी हग्ड मी वेरी टाइटली। मेरे फ्रेंड्स को कहीं उठते उठते से पता चली तो दे ऑल लेफ्ट मी, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो गई थी। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और इसमें लाइक बहुत पेन होता है। लाइक कैंसर इज़ द सेकेंड रीज़न ऑफ डेथ आफ्टर एड्स इन द वर्ल्ड। तो हमें किसी ने रेफ़र किया इंडस हॉस्पिटल। हम अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके इंडस हॉस्पिटल आए। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। सो दैट थिंग, उस चीज़ ने मुझे इतना हिट किया कि फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो लेट्स गिव दिस थिंग अ ट्राई। बिल्कुल स्मूथली फर्स्ट कीमो ख़त्म हो गई। सेकेंड कीमो पे ये हुआ था कि बाल जो है सारे वो ख़त्म हो गए थे, झड़ गए थे, और आई वॉज टोटली बैड एट दैट टाइम। तो आई एम अ गर्ल हु लव लॉन्ग हेयर। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन इतने सारे लोग थे जो मेरे पास थे। विद इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड मैंने बहुत सारे एक फ्रेंड्स बना लिए, एक मुझे दूसरी फैमिली मिल गई। मैं इंडस हॉस्पिटल को अपना सेकेंड होम कहती हूँ, क्योंकि इट लिटरली फील्स लाइक अ होम। यहाँ पे इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, यहाँ लोग इतने अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई एम अ कैंसर सर्वाइवर एंड इंशाल्लाह आफ्टर 3 years आई विल बी अ डॉक्टर। टू बी ऑनेस्ट, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ न्यूज कास्टर, लेकिन जब मेरा डायग्नोज हुआ मैंने इंडस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स को देखा, वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव, इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कि मुझे एक होप मिली और मुझे समझ आया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मेरा जो एक मकसद है वो जस्ट यही है कि मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने से ताकि ये हो सके कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। अगर मेरे पास इतनी सहूलत हो कि मैं उनको फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकूँ तो मैं उनको दूँ। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, यूथ इम्पैक्ट। उसके अलावा मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इंटर्नशिप की है, उनके साथ काम किया है। इंडस हॉस्पिटल के लिए मेरा मैसेज यही है कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम करता है। क्योंकि मैंने खुद यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है। डोनर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो डोनेट करते रहें, और इन रिटर्न उनको बहुत सारा सवाब और दुआएँ भी मिल रही हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर कि आप लोग ये डोनेशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रखें। थैंक यू।